एचआर न्यूज पे हरियाणवी बुलेटिन लेके हाजिर हूं मैं राहुल सैनी और एचआर न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों ते प्यार भरा राम राम। दोस्तों आज मैं एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आप समाज में रहते हो, समाज के बारे में आप सभी को बढ़िया ते जानकारी से वो इस तरह, क्योंकि समाज में जो एक प्रथा चली आ रही है दहेज, जिसके कारण आप देखते होगी न्यूज चैनल में दिखाया जा से कि दहेज के कारण हमारी भाण बेटी न जाने कितनी आत्महत्या कर भी लेती हैं, आपने देखा भी से, और कितनी भाण बेटी हमारी आजकल अदालता में चक्कर लाण लाग रही से, केस पे अदालता में चल रही से। और एक दूसरी तरफ से संत रामपाल जी महाराज एक इसी प्रथा को ख़त्म करना चाह रहे थे और उनके भगत इस प्रथा को आगे बढ़ाने में उनका पूरा सहयोग कर रहे थे, कि वो कहते हैं कि समाज में जो एक कुप्रथा चली आ रही से उनको हमने ख़त्म करना से। दहेज को एक दानव भी, दहेज का एक दानव भी बोला गया, क्योंकि एक ये राक्षस जैसा स्वभाव इंसान का हो जा से, क्योंकि दहेज के कारण बहुत सारी शादियाँ टूट भी जा से। संत रामपाल जी महाराज के दहेज मुक्त भारत अभियान विराट रूप ले चुका से। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अब हर भारतीय को इस कुप्रथा को ख़त्म करने का प्रण ले लेना चाहिए और देश के कोने कोने तक यह मुहिम रंग भी ला रही से। देखते होगे आजकल आप न्यूज़पेपरा में संत रामपाल जी महाराज की जो भगत रमेणी करते हैं, जिसको कि रमेणी बोला जाता है, उस जिस शादी को जो 17 मिनट में पूरी हो जाए, उसमें किसी तरह का कोई बैंड बाजा, कोई किसी तरह का पंडित, किसी तरह का कोई फालतू का आडंबर ना करते हैं। सिर्फ 17 मिनट में वर वधु एक दूसरे के हो जाते हैं और इसमें किसी तरह का कोई खर्च भी ना आता, कोई बाराती ना होते, सिर्फ परिवार के दो चार आदमी होश हैं, ज़्यादा ना होते इसमें। और समाज भी इस मुहिम को एक अच्छा मानता है, क्योंकि ये कि ये जो दहेज की मुहिम से वो बहुत ही खतरनाक है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये बहुत अच्छा काम होने लग रहा है। और एचआर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों से मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हम भी और आगे बढ़ाते रहें और हमारा भी हौसला बढ़िया रहे। ज़्यादा देर न करते हुए अपने दर्शकों ने हम सुना दें से, जो मलोट में कल शादी हुई थी दहेज रही थी, 3 शादियाँ हुई थी, वो आपने कल एचआर न्यूज़ पे देखा भी होगा। आइए महिला समर्थकों से रूबरू कराते हैं कि उन्होंने दहेज रहित जो शादी थी उसके बारे में क्या कहा और आने वाले आगे भविष्य के बारे में उनके अपने क्या विचार थे, ध्यान से सुनना है इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग था मलोट में, उसी के बारे में हम इनके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से चर्चा कर रहे हैं। अभी ये कैसे संभव हो सकता है आज के ऐसे माहौल में, जैसे कि इतनी सरकारों ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया है दहेज प्रथा के खिलाफ और वो नहीं संभव हो सका, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कैसे संभव कर दिया ऐसा। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? संजोली दासी। सुनिए, ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज ने जो आज अपने सत्संग के जरिए जो मलोट में 3 शादियाँ हुई हैं बगैर दहेज के, ये कैसे संभव हो गया? जैसे आज के ज़माने में तो देखो बगैर दहेज के जैसे शादी नहीं करते, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अपने सारा कुछ बेच कर शादी करनी पड़े अपने पिता को, फिर भी वो करता है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो ऐसे कैसे संभव हो गया ये? जी, हमारे गुरु जी हमें ये शिक्षा देते हैं कि दहेज लेना भी नहीं है और नहीं देना है, इसीलिए भी हम लोग यहाँ से सत्संग में इकट्ठा हुए। हमारे गुरु जी हमें ये समझा रहे हैं कि आजकल जो दहेज ले रहे हैं वो मतलब कितना मतलब लड़कियों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, इसे जड़ से मिटाना है। आपका क्या नाम है? निशा दासी। निशा, ये बताओ, संत रामपाल जी महाराज किसी से दहेज नहीं देते तो क्या वो आगे जो लड़के वाले के घर में सुखी रह पाएंगी? बिल्कुल रह पाएंगे, वो सुखी रह पाएंगे, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने
हमेशा हमेशा भक्तों को यही ज्ञान दिया कि दहेज लेना और देना सख्त मना है, क्योंकि इनसे हमारी जो बेटियां हैं उनको आगे जाके तो कष्ट होता ही है, वो सारी ज़िंदगी भी एक नरक की तरह भोगती हैं। क्योंकि अगर आज हम दहेज के लिए उनका विवाह करेंगे तो वो ये नहीं है कि आज ही हमसे जो दहेज मांग रहे हैं, आगे भी वो कोई ना कोई डिमांड करते ही रहेंगे सारा जीवन। अगर उनकी लड़की हो गई तो भी वो बेटे की डिमांड करते हैं, और कोई ना कोई आपकी लड़की खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ना दहेज लेना ना देना, पहले से ही ये सारी मर्यादा निभाएंगे तो जीवन अच्छा बीता और भक्ति भी सफल बनती है। क्या संत रामपाल जी महाराज की मेन मर्यादा ये अभी दहेज ना लेना ना देना? मर्यादाएँ तो बहुत सारी, इनमें से ये मर्यादाएँ भी आ जाती हैं। तो फिर भी क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से, इतनी मर्यादा सख्त होने के बावजूद क्यों जुड़ते जा रहे हैं? आज जेल में भी है वो, देखिए समाज के हिसाब से सारा कुछ उल्टा हो रहा है, फिर भी इतने सख्त नियम भी है, फिर भी क्यों जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से? अगर एक तरफ हम देखें तो गुरुजी के कोई भी नियम नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमें वही सारी बातें बताते और सिखाते हैं जो आम जीवन में हमारे सबके लिए भलाई है। अब नशे के बारे में ही देख लीजिए, सरकारें कितना कुछ कर रही हैं नशे के लिए, कानून बना रही हैं, मोदी सरकार ने बहुत से नियम लागू किए, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं है। नशे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही मिट सकते हैं, और कोई भी यहाँ पे कोई मार्ग नहीं है भक्ति का। संत रामपाल जी महाराज जी हमें वही सब नियम बताते हैं जो हमारी ज़िंदगी में आम लागू होते हैं। नशा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी सही बीतेगा, कुछ पैसे घर के लिए, अब जो नशा करते हैं उनका घर खर्च भी नहीं चलता है, दारू पीते हैं तो वो सारे पैसे दारू में ही लग जाते हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वो ही, ये नियम तो कोई नियम है नहीं, परमात्मा तो हमें जो नियम बता रहे हैं वो हम सब के लिए भलाई के लिए बता रहे हैं। अब नशा नहीं करेंगे तो हमारे लिए ही ठीक है, सदभक्ति करेंगे तो सुलोक जाएंगे, और दहेज वगैरह ना लेंगे तो सब मर्यादाएँ भी निपटे और परमात्मा का ज्ञान भी हमें रहता है। आप वैसे क्या करते हो? मैंने प्लस टू करके ETT की है और अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो और ETT भी कर रहे हो, एक बच्चों के लिए आगे जैसे शिक्षा के लिए भी आप प्रयत्न कर रहे हो, अभी शिक्षा दोगे आप बच्चों को, क्या शिक्षा दोगे, क्या संत रामपाल जी महाराज के बताई हुई शिक्षा दोगे, या जैसे समाज में जैसे बुराइयां चल रही हैं वो दोगे भी, आपका क्या आगे जीवन में क्या हो रहेगा अपना? मैंने टीचिंग कोर्स किए हैं बच्चों को, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ परमात्मा की मर्यादाएं की जुनियम है वो भी, उनका भी अध्ययन कराते हैं कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए आगे जाके, जैसे जैसे भक्ति के बारे में भी बताते हैं, सदग्रंथों के बारे में भी, जैसे बच्चों को अक्षर ज्ञान होता है भी तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो धीरे धीरे, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं धीरे धीरे, ऐसी गुरु जी की मर्यादाओं को भी हम साथ में लेके चलेंगे, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को भक्ति मार्ग का भी हम सिखाएंगे। तो लोग तो ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जैसे माता पिता की सेवा छुड़वा देते हैं और देवी देवताओं को सेवा छुड़वा देते हैं, फिर आपकी बात को कैसे फॉलो करोगे? जो तो जब इतनी मतलब गुरु की सारी बातें मानोगे, माता पिता की कब मानोगे, क्योंकि नियम भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है माता पिता की बात माननी पड़ती है, तो आप माता पिता की सेवा के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए माता पिता की सेवा तो गुरु जी कहते हैं कि धन्य आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ है, माता पिता की सेवा तो हमें करनी करनी है, लेकिन साथ साथ हमें परमात्मा के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। माता पिता अगर नहीं जुड़े हैं तो उन्हें भी समझाओ, परमात्मा के ज्ञान चर्चा सुनाओ, उन्हें भी परमात्मा के परमार्थ में लेके आओ, अगर सारा परिवार नामधनी होता है तो भी जीवन अच्छा व्यतीत हो जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को आपके जरिए, क्या मैसेज दे सकते हैं हम? तो मैसेज यही देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की सत्संग सुने, भगत और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, आजकल हर कहीं पे घर घर सेवा प्रचार हो रही है, परमात्मा क्या भक्ति मार्ग को समझे, हमारे सदग्रंथ क्या कहते हैं, ऐसे व्रत पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं है, धीरे धीरे परमात्मा का ज्ञान सुने, सत्संग सुने, परमात्मा की पुस्तकें पढ़ें और परमात्मा से जुड़ जाएं। एक और बात बताओगे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद क्या आपको कोई आर्थिक लाभ भी हुए हैं? हाँ जी भगत जी, हमें आर्थिक और सामाजिक बहुत सारे लाभ हुए हैं, परमात्मा की दया से घर की स्थिति भी ठीक हो गई है, मेरे पापा की तबीयत भी ठीक रहती है, हमारी पढ़ाई लिखाई सब परमात्मा की दया से बिल्कुल अच्छा चल रहा है भगत जी। नमस्कार। हाँ जी सत साहिब जी सत।